के साथ। लंका क्षेत्र में शुक्रवार को नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। लंका से सामने घाट मार्ग पर ट्रॉमा सेंटर के आसपास नाले पर लगी दुकानें और गोमतियां तोड़ी गई। फेरी पटरी व्यवसायियों को तय स्थान पर ठेले न लगाने पर सख्त चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस व प्रवर्तन दल के अधिकारियों की मौजूदगी से क्षेत्र में अफरा तफरी मची रही। करीब 2 घंटे तक चले अभियान में 25 से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। निगम ने गुमटियों और ठेले समेत अन्य सामानों को जब्त किया। रविदास गेट से लेकर मालवीय चौराहा व नरिया मार्ग पर टीम ने कार्रवाई की। अभियान की सूचना पर अस्थायी दुकानदार खुद ही अपने सामान लेकर हट गए। बीएचओ अस्पताल गेट के सामने नाले के ऊपर लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया। माधव मार्केट मोड़ के पास जेसीबी ने दुकानों के सामने पटरी पर लगाए गए टीन शेड को ध्वस्त कर दिया। दवा की दुकानों के आगे काफी संख्या में दोपहिया वाहनों को भी हटवाया गया। फास्ट फूड के संचालक ने नाले पर ही अतिक्रमण कर अस्थायी दुकान बना रखी थी, जिसे तोड़ दिया गया। कार्रवाई में अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार, भेलोपुर जोनल अधिकारी जगदीश यादव, इंस्पेक्टर लंका महेश पांडे, संजय श्रीवास्तव समेत पीएसी और पुलिस के जवान शामिल थे। सच के साथ।